नेगेटिव विचार व्यक्ति के मन में आते क्यों हैं और इनसे कैसे बचें, इस बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक साइकैट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये नेगेटिव विचार आखिर मन में आते क्यों हैं? साइंस कहती है, स्टडीज़ कहती हैं कि हम सबके मन में कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका मतलब निकालते हैं। कुछ लोगों में ये जो तरीका होता है दुनिया को इंटरप्रेट करने का या फिर उनके आसपास हो रही चीज़ों को समझने का, वो डिस्टर्ब्ड होता है, जिसको कई बार हम कॉग्निटिव एरर्स भी कहते हैं, और इन्हीं की वजह से नेगेटिव विचार आते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक एक यंग स्टूडेंट है, 20 साल का या 22 साल का, और वो कॉलेज में जाता है, लाइब्रेरी में एंटर करता है और लाइब्रेरी में जाके एक टेबल पे बैठ जाता है। टेबल पे बैठते हुए वो अपने सामने वाले टेबल में एक और स्टूडेंट बैठा हुआ था, उसको देख के स्माइल करता है, लेकिन वो सामने वाला स्टूडेंट उसको स्माइल रिप्लाई में नहीं करता है, वो वापस मुस्कुराता नहीं है, और ये स्टूडेंट हमारा बैठ जाता है। अब बैठने के बाद इस स्टूडेंट के मन में ख्याल आता है कि उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया, वो मुझे पसंद नहीं करता है, कोई भी स्टूडेंट कॉलेज का मुझे पसंद नहीं करता है, लोग मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बनेगा, मैं अकेला बुढ़ा हो जाऊंगा और अकेले मैं मर जाऊंगा। अब एक 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 सिंगल इवेंट जिसमें कि एक सामने वाले व्यक्ति ने स्माइल नहीं किया था, उस चीज़ को लेके इस स्टूडेंट की जो थिंकिंग थी वो एकदम नेगेटिव थी, और एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स आते गए, लास्ट में इसके मन ने ये तक सोच लिया कि ये बूढ़ा होकर मर जाएगा और इसका कोई दोस्त नहीं बनेगा। एक एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक हाउसवाइफ हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से एक संडे को खाना बनाया, उन्होंने 4 डिशेस बनाई, और जितने भी घर वाले थे, फैमिली मेम्बर जितने भी थे, सबने बाकी सारी चीज़ों की बहुत तारीफ़ की, बट उनमें से किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया कि कोई एक ऐसी सब्जी थी, एक ऐसी वेजिटेबल थी जिसमें नमक कम था। अभी जो हाउसवाइफ का दिमाग है, इसने बाकी सारी बातों को तो इग्नोर कर दिया, उस सिंगल बात को उस इनके दिमाग ने पकड़ लिया कि उसने बोला कि एक पर्टिकुलर वेजिटेबल में, सब्जी में नमक कम था, और फिर इसके मन में दूसरा ख्याल आया कि मैं तो खाना भी ठीक से नहीं बना पाई, थर्ड ख्याल आया मैंने तो पूरा का पूरा डिनर ख़राब कर दिया, फोर्थ ख्याल आया कि मैं तो घर का कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ, फिफ्थ ख्याल आया कि कोई भी घर में मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, और लास्ट में ख्याल आ गया कि ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा क्या, स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल में उसने एक छोटे से इवेंट को लेके मन में ये बना लिया कि उसको कोई पसंद नहीं करता है, वो अकेला बूढ़ा होकर मर जाएगा, और सेकेंड इवेंट में बहुत सारी चीज़ों में से उस हाउसवाइफ के दिमाग ने एक सिंगल चीज़ को पिक किया और उसके बेसिस पे उन्होंने एक एक कॉन्क्लूजन बना लिया। अब देखिए, ये जो जो नेगेटिव थॉट्स की जो चेन होती है, इसके और भी बहुत असर पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे वो स्टूडेंट है, जब उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं, तो क्या होगा, थॉट्स के साथ साथ उसको एनर्जी भी फील होनी कम हो जाएगी, वो बहुत ही लिथार्जिक सा या फिर बहुत ही थका हुआ सा फील करने लगेगा। अगर वो पढ़ाई करने के लिए आया था तो पढ़ाई की मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी साथ में, क्योंकि दिमाग में ख्याल चले जा रहे हैं, वो किताब खोल के बैठा हुआ है पर ख्याल चले जा रहे हैं, तो वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएगा, ध्यान भी नहीं लगा पाएगा, और उसने जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा रात में, अगर वो उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करेगा तो उसको याद भी नहीं आएगा, उसको लगेगा कि मेमोरी भी ख़राब हो गई है। तो एक एक चेन ऑफ इवेंट्स हुआ, एक थॉट आया, उसने कई सारे थॉट और क्रिएट किए, उन थॉट्स की वजह से एनर्जी भी कम हुई, मोटिवेशन भी कम हुई, कंसंट्रेशन भी कम हुई, मेमोरी भी ख़राब हुई, और लास्ट में एक रिजल्ट क्या आया कि ये जो स्टूडेंट है एकदम डिप्रेस फील कर रहा है। तो इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं और उनका असर आता है। तो आखिर हम इन नेगेटिव थॉट्स से बचे कैसे, हम कर क्या सकते हैं? देखिए, मैंने आपको एक थ्योरी तो समझाई जहाँ पे थॉट्स बढ़ कैसे रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। एक सेकंड थ्योरी भी कहती है कि ये सब होने के पीछे ब्रेन के केमिकल्स की डिस्टर्बेंसेज होती हैं। कुछ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, स्पेशली 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे हैं जिनको हम सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन कहते हैं। पाया गया कि इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स का थिंकिंग के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, तो अगर इनके लेवल्स कम हो तो भी इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं। तो फिर बचे कैसे? तो जो ट्रीटमेंट है वो अगेन 2 लेवल्स पे होता है, प्रॉब्लम 2 लेवल्स पे हो रही है तो ट्रीटमेंट भी 2 लेवल्स पे होता है। पहला लेवल तो होता है कि अगर केमिकल्स की कमी की वजह से दिक्कत हो रही है तो उन केमिकल्स को आप ठीक करें। कई बार ये बात सुन के अजीब सा लगता है, बट मैं आपको उसका एक फिजिकल एनालॉजी देता हूँ तो आप शायद उसको बेटर समझ पाएँ। मान लीजिए कि आपके पास व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि उसको बहुत थकान सी फील होती है,
वो हर बात पे बहुत छोटा सा काम करे थक जाता है, उसके हाथों में पैर में दर्द होता रहता है। आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो और आपको मिलता है कि उसका विटामिन डी डिफिशियंट है। अब हमें पता है कि विटामिन डी डिफिशियंसी से सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आप ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? आप केमिकल्स ठीक करेंगे, विटामिन डी कम है तो विटामिन डी देंगे, और साथ में आप उसको ये भी बोलेंगे कि थोड़ी एक्सरसाइज किया करिए, थोड़ा बाहर जिम जाया करिए, थोड़ा रनिंग किया करिए। तो आप दोनों लेवल्स पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक एक केमिकल लेवल पे भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और एक नेचुरल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं जो कि वो खुद कर सकते हैं। वैसे ही ये जो नेगेटिव थिंकिंग की तकलीफ है, इसमें भी अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स की दिक्कत लग रही है तो उनके लेवल्स भी ठीक करने हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी हैं जो कि पेशेंट खुद से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पेशेंट या फिर पेशेंट ना भी हो, नॉर्मल व्यक्ति अगर उसको इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, वो कर क्या सकता है। इन नेगेटिव थॉट्स को डील करने का सबसे पहला स्टेप होता है इनको पहचानना। हम लोगों में से जिन लोगों को नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, उनको इन थॉट्स की इतनी आदत सी पड़ चुकी होती है कि वो इस बात को पहचान भी नहीं पाते कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वो उनके लिए एक यूजुअल चीज़ हो चुकी होती है। और रिसर्च भी ऐसा कहता है कि थॉट्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, इमोशंस को पहचानना थोड़ा आसान होता है। तो आमतौर पे होता क्या है, नेगेटिव थॉट्स आने के बाद आप थोड़ा सा उदास फील करते हैं, सैड फील करते हैं या फिर डिप्रेस फील करते हैं। तो आप अपने थॉट्स को तो नहीं पहचान पाएंगे, बट आप अपने मूड को पहचान जाएंगे। तो तरीका ये होता है कि आपको जब भी फील हो कि आप खराब फील कर रहे हैं या सैड फील कर रहे हैं या डिप्रेस फील कर रहे हैं, आप उस टाइम से थोड़ा पहले के वक्त में जाके देखिए कि मेरे मन में ख्याल आया क्या था। जैसे कि वो जो कॉलेज का स्टूडेंट है, अभी वो लाइब्रेरी में बैठा सैड फील कर रहा है, वो अपने आप से सवाल पूछेगा कि अभी कुछ ऐसे पिछले 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि मैं डिप्रेस फील करने लगा। तो उसको याद आएगा कि 15 मिनट पहले मैं आके बैठा था और मैंने उसको स्माइल किया था, उसने रिप्लाई में स्माइल बैक नहीं किया, और वहाँ से नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने शुरू हुए। तो फिर आप अपने आप से पूछते हैं कि अच्छा, ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो क्या थे? और जवाब आएगा कि थॉट ये आया था कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, कॉलेज का कोई स्टूडेंट पसंद नहीं करता, शायद दुनिया में भी कोई पसंद नहीं करता। अब आती है बात इनको काउंटर करने की। नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन के बनाए हुए थॉट्स हैं, और आपका ब्रेन ही उन थॉट्स को तोड़ सकता है या फिर काउंटर कर सकता है। और कैसे ये किया जाए? कुछ सवाल पूछ के अपने आप से। क्या है ये सवाल? पहला सवाल, मैं उसी स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ, वो स्टूडेंट इन थॉट्स को कैसे कवर कर सकता है, कैसे इनको काउंटर कर सकता है? कुछ सवाल पूछ के पहला सवाल वो अपने आप से पूछेगा कि ये जो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसका प्रूफ क्या है? पहला सवाल होता है कि इस थॉट का प्रूफ मांगिए अपने आप से। तो जब आप अपने आप से जब ये स्टूडेंट अपने आप से इस बात का प्रूफ मांगेगा, तो उसका दिमाग जवाब देगा कि क्योंकि मेरे दोस्त ने या मेरे बैचमेट ने मुझे देख के मुस्कुराया नहीं, इसलिए मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये प्रूफ है। अब सेकंड सवाल ये स्टूडेंट पूछेगा कि क्या ये एक अच्छा प्रूफ है? क्या इस वजह से ये बात मान लेना ठीक है, या फिर कितना परसेंट ठीक है? तो स्टूडेंट का दिमाग जवाब देगा कि सिर्फ इस बात से कि किसी ने मुस्कुराया नहीं, ये मान लेना कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता, बहुत अच्छा रीज़न तो नहीं है। शायद 20% बोल सकते हैं कि इसकी वजह से ये एविडेंस, ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, या फिर शायद 30% बोल सकते हैं। तो पहला ये सवाल कि क्या प्रूफ है और कितना स्ट्रांग प्रूफ है ये। सेकेंड सवाल अपने आप से पूछेगा ये स्टूडेंट कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है? क्या कुछ और मतलब भी हो सकता है इस घटना का? जैसे कि उसने आपने स्माइल किया और उसने जवाब नहीं दिया, इसका एक मतलब तो ये दिमाग ने निकाला कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्या कोई और मतलब भी हो सकता है? तो दिमाग जवाब देगा कि हाँ, हो सकता है, उसने मुझे देख के मुस्कुराया नहीं, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। शायद उसने मुझे देखा ही ना हो, शायद वो किसी और को देख रहा हो, या फिर शायद वो पढ़ाई में बिजी हो इसलिए उसने नहीं मुस्कुराया, या शायद वो अपने कुछ ख्यालों में खोया हुआ हो इसलिए वो नहीं मुस्कुराया। तो जब आप ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन मांगते हैं अपने दिमाग से, तो बहुत सारे और लॉजिकल आंसर्स दिमाग देने लगता है। अब ये स्टूडेंट जिसको कि लग रहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करता, अब इसके दिमाग में चार और रीजंस आ गए, और अब इसके मन में संशय हो गया है कि शायद जो नेगेटिव थॉट था वो ठीक नहीं था। थर्ड सवाल आप अपने आप से पूछते हैं, ये स्टूडेंट अपने आप से पूछता है कि ये सोचना कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, मेरी थिंकिंग को कैसे इम्पैक्ट करेगा, मेरी थिंकिंग को कैसे बदलेगा? तो जवाब क्या आएगा कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, तो मेरे मन में और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं और एनर्जी लेस फील करता हूँ, मेरी कंसंट्रेशन ख़राब होती है, और मैं डिप्रेस फील करने लगता हूँ। और चौथा सवाल ये पूछेगा ये स्टूडेंट अपने आप से कि अगर मैं ऑल्टरनेटिव्स पे जाऊँ, वो जो बाकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, अगर मेरे मन में वो आती तो मुझे कैसे फील होता?
अगर ये स्टूडेंट ने जब उसको मुस्कुराया देखकर, वो उसने रिप्लाई में मुस्कुराया नहीं और स्टूडेंट के मन में सिर्फ ये ख्याल आया होता कि शायद मुझे देखा नहीं या बिजी होगा, तो ये स्टूडेंट का मन कैसे रिएक्ट करता? कुछ भी रिएक्ट ना करता। स्टूडेंट का मन बोलता कि ठीक है, हो सकता है बिजी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ाई शुरू हो जाती। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था, इससे इसके माइंड पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ता। और फिर लास्ट में अपने आप से आप पूछेंगे कि मुझे फिर क्या करना चाहिए, तो फिर जवाब ये आएगा शायद कि ऐसे ही किसी ख्याल को अपने मन में घर नहीं करने देना है, पहले जांच पड़ताल करनी है। तो ये जो एक्सरसाइज है छोटी सी, जिसको हम कई बार बोलते हैं चैलेंजिंग द नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, ये आपके मन में जो बिना बात के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और जो बिना बात के नेगेटिव थॉट्स के आने की वजह से कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, उससे आपको बचाने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि काफ़ी थेरेपी में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने आप से भी कोशिश कर सकते हैं। बट लास्ट में मैं फिर से इस बात पे स्ट्रेस देना चाहूँगा कि आमतौर पे ये दोनों टेक्निक्स, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि केमिकल्स बेस्ड ट्रीटमेंट होता है जो कि आपके ब्रेन के ट्रांसमीटर्स को ठीक करता है, प्लस ये टेक्निक्स जो कि कॉग्निटिव टेक्निक्स जिसको हम कहते हैं, इनको जब आप मिलाते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ बता पाया हूँगा नेगेटिव थॉट्स के बारे में और उसको रोकने के तरीके के बारे में, और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।